आज हम आलू पेटीज बनाने वाले हैं। ये आलू पेटीज बिल्कुल मार्केट की तरह खस्ता तो है ही, घर में बनी है इसलिए हाइजीनिक भी है। आलू पेटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। पेटीज खस्ता बने इसके लिए इसमें मौन डालेंगे, तेल का मौन या आप घी का मौन भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैदे को हाथ में लेकर मुट्ठी बांध के देखेंगे। यदि मैदा नहीं बिखर रहा है इसका मतलब मौन ठीक है, और यदि मैदा बिखर जाता है तो थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और फिर से एक बार मिक्स करके फिर पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। मैदे को बिल्कुल सॉफ्ट रोटी के आटे की तरह गूंथना है। पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिलाते जाएं। ये मैदा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब इसे ढक करके आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम पेटीज की फिलिंग के लिए तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लें और तेल के गर्म हो जाने पर इसमें जीरा डालें। जब जीरे की तड़कने की आवाज आने लगे तो कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल दें और उसको अच्छी तरह से भूंज लें। अब कटी हुई हरी मिर्च डालें, इसे भी अच्छे से भूंज लें। जब लहसुन अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन पूरा चला जाए तो अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दें और इन सभी चीजों को हाई फ्लेम पर प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब सभी सूखे मसाले इसमें मिला दें। हल्दी मिलाएं, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर डालकर भूंज लें। मैंने पहले से आलू को बॉईल करके मैश करके रखा हुआ है। मसाले भून जाने पर उबले हुए आलूओं को मसालों में मिला दें और गैस की फ्लेम लो करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। ये सभी मसाले आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे और पिसा हुआ गरम मसाला मिला दें। और अब लास्ट में ज़रूरत है केवल मैगी मसाला मिलाने की, तो इसमें एक पाउच मैगी मसाला मिला दें। मैगी मसाला से पेटीज का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। इसे भी मिक्स कर लेते हैं और अब बटर बनाते हैं। बटर बनाने के लिए 2 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें 4 चम्मच बटर मिक्स करेंगे। और अब आपको इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। आप चाहें तो बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट के पेटीज में बटर या घी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ऑयल ही यूज़ करते हैं और ऑयल हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसको बहुत देर तक आपको इसी तरह से फेंटते रहना है जब तक ये बहुत अच्छी तरह से एकदम फ्लफी ना हो जाए। इसको फेंटते फेंटते मुझे 12-15 मिनट हो गए हैं। अभी अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है, अब पेटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा भी अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसके हम केवल 2 लोइयां बनाएंगे। फ्लैट सरफेस पर सूखा मैदा को फैलाएंगे और उसके ऊपर लोई रखकर बेल लेंगे। इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, मोटी रोटी की तरह बेलेंगे। और रोटी के बेल जाने पर इसमें जो हमने मैदा मिलाकर बटर बनाया था उसे ऊपर से लगा लेंगे। पूरी ही सरफेस पर बहुत अच्छी तरह से बटर को लगाना है, थोड़ी सी भी जगह ना बचे। जितनी अच्छी तरह से बटर लगेगा पेटीज की लेयर उतनी ही अच्छी बनेंगी। अभी पूरे में ही अच्छे से बटर लग गया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से पहले एक साइड से फोल्ड करें, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड करके एक बार फिर से ऊपर से बटर लगा लें और एक बार फिर से फोल्ड करें। इस लेयर के ऊपर फिर से बटर लगाएं और बटर लगाकर फिर से फोल्ड कर दें। लास्ट बार एक बार और बटर लगाएं और फोल्ड करें और इसे एयरटाइट कंटेनर में आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आधा घंटा हो गया है, इसे निकालकर फिर से एक बार बेल लें। बेलने के पहले सरफेस पर फिर से सूखा मैदा डाल लें ताकि लोई नीचे ना चिपके, और इसे हल्के हाथों से बेलना है ताकि अंदर का बटर बाहर ना निकल पाए। और यदि लोई नीचे चिपकने लगे तो फिर से सूखा मैदा डाल लें।
रोटी बेल गई है, अब इसमें फिर से बटर लगा लें और सेम प्रोसीजर फिर से दोहरा लें। इसी तरह से एक बार और फिर से बना लें। जितने ज्यादा आप इसमें लेयर बनाएंगे उतनी ही अच्छी पेटीज की लेयर बनेंगी। आप चाहें तो इस तरह से बनाकर आप एक दिन पहले से भी रख सकते हैं, यह आटा खराब नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसीजर में थोड़ा लंबा समय लगता है, पर जब पेटीज बनकर तैयार होगी तो पेटीज की एक एक लेयर बहुत अच्छी तरह से आप अलग कर सकते हैं। इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा रखें और चौकोर ही बेलें, क्योंकि हमारी लास्ट स्टेप थी। अब एक कटोरी में मैदा लें और मैदे में इसमें पानी मिलाकर एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लें। इससे हम पेटीज को चिपकाएंगे। जो हमने रोटी तैयार की है उसे चारों तरफ से काटकर प्रॉपरली चौकोर शेप दे दें। और इसे बीच में से भी काट लें, चार हिस्से बना लें इसके। और हर एक भाग में एक एक चम्मच आलू की फिलिंग रखें। और मैदे और पानी से जो घोल बनाया है उस घोल को चारों तरफ लगा दें। इस घोल के लगा देने से पेटीज अच्छे से चिपक जाएंगी और डीप फ्राई करते समय ये खुलेंगी नहीं। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, पर पानी से कभी कभी इनके खुलने का डर रहता है। ये चारों तरफ ये अच्छे से लगा दिया है और अब पेटीज को इस तरह से फोल्ड कर दें। बाकी की भी तीनों पेटीज को आपको इसी तरह से फोल्ड करना है और जो हमारा मैदे का एक पार्ट बच गया था उसे भी इसी तरह से पेटीज बना लें और सभी पेटीज को बनाकर रख लें। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में आप तेल गर्म करें और उनमें धीमे आंच पर इसे सेक लें। गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा, यदि तेज फ्लेम करेंगे तो पेटीज अंदर से कच्ची रह जाएंगी। यदि तेल ठंडा हो जाता है तो बीच बीच में आप फ्लेम को तेज कर सकते हैं, क्योंकि यदि तेल ठंडा हो जाएगा तो पेटीज बहुत ज्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमने मोन भी डाला है और बटर भी लगाया है। इन्हें ये गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। इसी तरह से बाकी की पेटीज को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। बीच में एक बार इन्हें पलट दें। ये पेटीज अच्छे से सिक गई हैं, अब इन्हें निकाल लें। पेटीज बहुत ही ज्यादा खस्ता बनी है और ये देखिए कितनी सारी इसमें लेयर दिखाई दे रही है। गर्म गर्म पेटीज को टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें।